कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस को लगा 2000 वोटों का भारी झटका। गांव खनोदा के सरपंच पाला राम सहित सैकड़ों युवाओं ने की भाजपा ज्वाइन। भाजपा प्रत्याशी लीला राम का करेंगे प्रचार प्रसार। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले गांव खनोदा के सरपंच पाला राम ने घर वापसी करते हुए पुनः भाजपा पार्टी में आस्था जता दी है। शुक्रवार सुबह कैथल से भाजपा प्रत्याशी लीला राम गांव खनोदा पहुंचे और पाला राम को मनाने का काम किया। पाला राम ने कहा कि उसे कुछ लोगों द्वारा बहका दिया गया था। मैं लीला राम के साथ हूं और उनके लिए वोट की अपील भी करूंगा। वहीं लीला राम ने रणदीप सुरजेवाला पर जमकर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सुरजेवाला राह चलते लोगों को भी पटका पहनाने का काम कर रहे हैं। 10-10 हजार रुपए देकर लोगों के घर अपने चाय के कार्यक्रम करवा रहे हैं ताकि उसकी हवा बन सके। लीला राम ने कहा कि सुरजेवाला जी ऐसे हवा नहीं बनती, हवा तो जमीन से जुड़कर लोगों के बीच रहने से बनती है। देखिए वीडियो। पाला राम सरपंच हमारे पुराने, राजनीति से अलग हट करके भी कहेंगे दोस्त हैं, मित्र हैं, 20-30 सालों से हैं। और मैं विधायक बना, मेरे चुनाव में दिन रात बढ़ करके इनके पूरे परिवार ने, पूरे खानदान ने दिन रात मेहनत करके मेरे को विधानसभा में भेजने का काम किया, चुनाव जितवाने का काम किया। और फिर गांव की जनता ने, खनोदा बड़ा गांव है, 3000 से ज़्यादा वोट हैं, भाई साहब को, पाला राम को सरपंच बनाया। बीच में कुछ शरारती तत्व कहूँगा, उन्होंने अफवाह फैला दी कि पाला राम तो कांग्रेस में चले गया, ये चले गए। हमने बात करी महा भाई साहब, ये ऐसी सी बोले भाई बिल्कुल निराधार बात है, मैं बीजेपी में था, बीजेपी में हूँ और बीजेपी में ही रहूँगा। आज हम यहाँ आए, मिले, पूरा खानदान, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और सबने एक आवाज़ में कहा कि हम बीजेपी में हैं, मोदी जी की नीतियों के साथ हैं, आदरणीय नायब सैनी जी के, पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री है, उनके साथ है। तो ऐसे लोगों को क्या चेतावनी है लीला राम की ओर से जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं और इस तरह से बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं उनको बहकाने का काम करते हैं? नहीं, वो जो भी ये सुरजेवाला जी से इस प्रकार की शरारतें करता है, किसी को सड़क पर चलते हुए गले में पटका डाल देता है, ज्वाइन कर ली, ज्वाइन कर ली। मैं कहूँगा आने वाले समय में वो सभी बहन भाई जिन्होंने इन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया, हर चाहे वो नगर पार्षद हैं और चाहे आम नागरिक हैं, सब के सब वापसी बीजेपी में, ये कह के कि हम कोई कांग्रेसी नहीं थे, ना हमने कांग्रेस ज्वाइन करी, हम बीजेपी के हैं, बीजेपी में रहेंगे, मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ रहेंगे। सुरजेवाला की आए दिन कम से कम भी 40-50 चाय हो रही हैं, उसको वहाँ देखते हैं। पैसे दे करके तो मैं 60-70 भी करवा सकता हूँ। सुरजेवाला जी हर चाय पे अपनी जेब से पैसे देते हैं और कह देते हैं कि, हमारे सामने भी कई मसले आए, एक साथी को कहा कि मेरी चाय कर दो, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसने कहा जी पैसे हम दे देंगे, कितने दे दोगे, 10,000, भाई 10,000 में तो चाय नहीं होती, वो आपको कितने चाहिए, उन्होंने कहा जी 40,000, उसने कह दिया मेरे को चाहिए 50,000, बोले यार 40,000 में तो हमने 3 चाय करा दी। ये शहर में इस टाइप का सुरजेवाला जी प्रोपगंडा फैला रहे हैं और सच्चाई है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि पूरे शहर में एक मन बना लिया है कि हम रणदीप सुरजेवाला को हराएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रणदीप सुरजेवाला चुनाव ही नहीं लड़ रहे, वो तो अब जयपुर चले जाएंगे या दिल्ली राज्यसभा में चले जाएंगे। यहाँ तो हमारा बेटा है, चलो आदित्य है, बच्चे सबके सिर के होते हैं, उसको तो हमारी हरियाणवी या भारतीय कल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमारी माताएं बहनें बैठी होती हैं, बुजुर्ग औरतें, उनके पास जा करके वोट की अपील पता कैसे करता, हाय मैम ये कह के भाई वो देखा बेचारी बैठी हुई, ये के बोल रहा है, मतलब इसको हमारी कल्चर संस्कृति का पता नहीं है। इसको कैथल की एक गली का, एक किसी समस्या का कोई पता नहीं है। विधानसभा में जाकर के क्या बोलेगा, ये वहाँ कुछ नहीं बोल सकता। कांग्रेस वाले ये भी कहते हैं कि आदित्य सुरजेवाला अमेरिका से आए हैं, पढ़े लिखे हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई सोच के साथ कैथल का विकास करवाएंगे। अमेरिका से आए हो तो अपनी सड़कों में देख रहे हैं काले काले कितने सांड फिर है, लोगों का जीना आराम कर रखे है। अमरीका वाले ये जरूरी थोड़ी है कि सारी चीज़ अमरीका में बढ़िया बनती है। भारत की गौ माता दुनिया में सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा जो दूध देती है औषधि के रूप में देती है, पूजी जाती है, उसकी पूजा होती है। और अमेरिका वाले को देख ले बीमारी फैलाती है,
अमेरिका वाले ही बस अमेरिका अमेरिका कहेगा, ये थोड़ी अभी अमेरिका से आया तो भाई सब कुछ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं। उसने हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति और जो हमारी गांव की समस्याएं हैं, शहर की समस्याएं हैं, आदित्य बेटे को कुछ भी पता नहीं उनके बारे में। चलो कैथल के लोग सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कैथल के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि 10 साल पहले आपने सुरजेवाला जी का राज देखा, कांग्रेस का राज देखा, चारों तरफ भ्रष्टाचार था। अगर पीएन चपड़ासी की भी नौकरी आ जाती थी, बोली लगती थी, बिकती थी, सबके रेट थे, सिपाही का रेट, क्लर्क का रेट, तहसीलदार का रेट, पुलिस सब इंस्पेक्टर का रेट, बोली लगती थी। कांग्रेस साहब ने लड़ा लिया अब खुश है बस भाई, पीछे भी शुक्र खुश था, इधर था तो कांग्रेस में सम्मान सम्मान नहीं मिला है, बस हो गया, अभी जोर पड़ गया उनका मान सम्मान तो जब उनको लाई नहीं थे वहाँ। भाजपा से पुराने रहे हैं? पुराने बहुत, पहला लोग तो अब भाजपा के प्रत्याशी के साथ लगातार जो कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर जो वो चुनाव में प्रचार प्रसार किया जाएगा, बिल्कुल होगा। हमारे सरपंच साहब घर वापसी कर गए हैं और ये हमारे गाँव के सिर मोहरा, हम इसके अध्यक्षता में काम करेंगे और ये बहुत बढ़िया इंसान है। विधायक जी आए और एक मिनट में विधायक जी के, पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी सारे परिवार ने और इस बार भी उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे हमारे सरपंच साहब। तो कितना का मजबूत मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर से जो है खनौदा गांव में मजबूत हो गया सरपंच साहब के आने? ये सरपंच साहब के आने से हमारे गाँव तो मजबूत हो गई, पूरे हल्के में एक मैसेज जाएगा कि झूठे पटके पना के और फ्रेब कर रहा है। हमारा सरपंच साहब का पूरे हल्के में बहुत बढ़िया रसूख है और ये घर घर जाके सबसे भाजपा को मजबूत करेंगे और विधायक लीला राम जी को विधायक बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है।